हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अनीता चौहान एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल गॉडविल लर्नर्स क्लासेज में स्वागत करती है। आज का हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले हम पहले जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है, तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। क्या क्या, यदि हमने एक कांच की छड़ ली है, उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो क्या होता है, कांच की छड़ जो हल्के पदार्थ होते हैं जैसे कागज के टुकड़े हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यानी कि कांच की छड़ में आकर्षण का गुण आ जाता है। इसी प्रकार यदि हम एबोनाइट की छड़ ले और उसे बिल्ली की खाल से रगड़े, तो एबोनाइट की छड़ भी क्या करती है, हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे बोलते हैं वैद्युत आवेश। यानी कि जब छड़ में वस्तुओं को या हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो उस समय कहा जाता है कि छड़ ने आवेश ग्रहण कर लिया है, छड़ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। और जब छड़ आवेशित हो जाती है तब कहा जाता है वैद्युत। जब छड़ आवेशित हो जाती है तो तब क्या कहा जाता है, वैद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब जो आवेश होता है वो होता है दो प्रकार का। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक है। नंबर एक होगा धनावेश, क्या होगा, धनावेश, और नंबर दो होगा ऋण आवेश। अब ऋण आवेश कब होगा और धनावेश कब होगा, जैसे हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो क्या होता है, कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। तो कांच की छड़ पर होता है धनावेश, यानी कि इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस टाइम क्या होता है, धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है, धनावेश। तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश होगा, धनावेश। ठीक है। और रेशम के कपड़े पर कैसा आवेश होगा, ऋणावेश। कैसा होगा, ऋणावेश, क्योंकि इसने क्या किए, जितने इलेक्ट्रॉन इस कांच की छड़ में त्याग दिए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ में जो परमाणु है उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, उतने ही रेशम का जो कपड़ा है इसमें जो परमाणु है उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं। तो रेशम के कपड़े पर जो आवेश होगा वो होगा ऋणावेश, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं। ठीक है। इसी प्रकार जब हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो एबोनाइट की छड़ में क्या हो जाए, रगड़ने के बाद बिल्ली की खाल के जो परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं, यानी कि ग्रहण कर लेता है। तो एबोनाइट की छड़ पर भी कैसा आवेश होगा, ऋणावेश। कैसा होगा, ऋणावेश। और बिल्ली की खाल पर धनावेश, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए। ठीक है। तो धनावेश कहाँ होगा, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां क्या होगा, धनावेश। और जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां होगा ऋणावेश। ठीक है। आगे बात समझ में। अब आता है कि आवेश का प्रवाह कैसे होता है, जो वैद्युत आवेश है उसका प्रवाह कैसे होता है। ठीक है। तो वैद्युत आवेश के प्रवाह को समझाने से पहले आप थोड़ा सा परमाणु के बारे में जान लीजिए। हमारा क्या है, किसी धातु हो, ठीक है, कोई ठोस पदार्थ हो या द्रव हो, जो भी है, ये क्या है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु में तीन मूल कण होते हैं, परमाणु में तीन मूल कण होते हैं, और इसमें एक नाभिक भी होता है। और वे तीन मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वे होते हैं नाभिक में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में। ये हमारा पूरा परमाणु हो गया। और जो तीसरा मूल कण होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के बाहर, कक्षाओं में क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, निश्चित संख्या में
नाभिक के बाहर वृत्ताकार मार्ग पर गति करते रहते हैं। ठीक है, अब परमाणु और जो इलेक्ट्रॉनों की सॉरी प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो समान होती है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन क्या होता है उदासीन, प्रोटोन पर धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनपे क्या होता है ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है ऋणावेश। तो जो हमारा परमाणु होता है वो होता है उदासीन, परमाणु कैसा होता है उदासीन, यानी कि परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। क्यों नहीं होता, नाभिक में जितने प्रोटोन हैं, नाभिक के समीप जो कक्षाएं होती हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, तो जितना आवेश प्रोटोन पर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिससे परमाणु पर क्या होता है परमाणु क्या होता है उदासीन होता है, और न्यूट्रॉन भी क्या होता है उदासीन होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश का प्रवाह। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश का प्रवाह। वैद्युत आवेश का जो प्रवाह होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने भी किसी परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना ही आवेश का प्रवाह होगा, यानी कि जो आवेश का प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जो नाभिक है, नाभिक के जो समीप की कक्षाएं हैं, नाभिक के समीप की कक्षाएं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वे इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होंगे दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, यानी कि ज्यादा आकर्षित रहते हैं। नाभिक के और इलेक्ट्रॉनों के जो समीप जो बीच में आकर्षण बल होता है वो क्या होता है प्रबल होता है, और जो कक्षाएं नाभिक से दूर होती चली जाती है और उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उनके बीच और नाभिक के बीच आकर्षण बल उतना ही कम होता चला जाता है। नाभिक के समीप कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वे इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, लेकिन जैसे ही कक्षा दूर होती चली गई इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच आकर्षण बल भी कम होता चला गया। तो जो दूर की कक्षाएं हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम आसानी से मुक्त कर सकते हैं, आसानी से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर कैसे निकालेंगे या तो गर्म करके, कैसे निकालेंगे गर्म करके या फिर आपस में रगड़ कर, कैसे निकाल लेंगे गर्म करके या तो पदार्थ जो है उसे रगड़ लेंगे या फिर उस पदार्थ को गर्म कर लेंगे। जैसे ही रगड़ेंगे तो जो बाहर की कक्षा है दूर की कक्षा है नाभिक से उनके जो इलेक्ट्रॉन है वे मुक्त हो जाते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए वैसे ही आवेश का प्रवाह हुआ, वैसे ही आवेश का क्या हुआ प्रवाह। तो वैद्युत आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही आवेश का प्रवाह होगा। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ हमारे दो प्रकार के होते हैं, आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक चालक पदार्थ, नंबर एक क्या होगा चालक पदार्थ, और नंबर दो होगा अचालक पदार्थ, नंबर दो क्या होगा अचालक पदार्थ। तो आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, नंबर फर्स्ट चालक पदार्थ और नंबर सेकंड होता है अचालक पदार्थ। अब चालक पदार्थ कौन से होंगे, चालक पदार्थ कौन से होंगे, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता पूर्वक गति करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे चालक पदार्थ, क्या बोलेंगे चालक पदार्थ। चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, सभी धातुएं, सभी धातुएं, ठीक है, या पृथ्वी, पृथ्वी भी क्या है हमारी चालक पदार्थ है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पृथ्वी से, ठीक है, और मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जो शरीर है वो भी क्या है चालक है, वो भी क्या है चालक है। ठीक है, अब आते हैं अचालक पदार्थ कौन से होते हैं, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं होता या बिल्कुल ही नहीं होता, उन्हें अचालक पदार्थ कहते हैं।
अचालक पदार्थ में क्या आएंगे? जैसे सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, मोम, कागज, ये सब क्या है? अचालक पदार्थ है। ये सब क्या है? अचालक पदार्थ। ठीक है। अब जो आवेश का प्रवाह होता है वो जरूरी, जो चालक पदार्थ होते हैं वे जरूरी नहीं है कि सभी धातु ही हो। चालक पदार्थ द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगर हम अम्लीय जल लें, अम्लीय जल लें, तो अम्लीय जल क्या है? चालक पदार्थ है। अम्लीय जल क्या है? चालक पदार्थ। ठीक है। अम्लीय जल क्या है? चालक पदार्थ। यानी कि ठोस जो जो धातुएं होती है, जो ठोस पदार्थ होते हैं, वो तो हमारे चालक पदार्थ होते ही हैं। हमारे द्रव और गैस भी जो चालक, हमारे अम्ल और गैस, सॉरी द्रव और गैस भी क्या होते हैं? चालक पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थों में यानी कि धातुओं में जो आवेश का प्रवाह होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेश के कारण। ठीक है। लेकिन द्रव और गैस में जो आवेश का प्रवाह होता है वो धनावेश और ऋणावेश दोनों के कारण होता है। धातुओं यानी कि ठोस पदार्थों में आवेश का प्रवाह केवल ऋणानायन के कारण यानी कि इलेक्ट्रॉनों के कारण, और द्रव और गैस में आवेश का प्रवाह धनावेश और ऋणावेश दोनों के कारण होता है। तो आज हमने चालक पदार्थ पढ़ लिए, अचालक पदार्थ पढ़ लिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत धारा किसे कहते हैं? वैद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, यानी कि जब आवेश प्रवाह होगा तभी हमारी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहती है। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और वैद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं आई से, और आवेश, आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यू से। तो आई बराबर क्यू अपोन दर का है यानी कि अपोन में सम है। आवेश का मात्रक होता है कुलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो धारा का मात्रक क्या हो गया? कुलाम प्रति सेकंड, या फिर एम्पियर, या फिर क्या हो गया? एम्पियर। ठीक है। तो एक एम्पियर बराबर होगा एक कुलाम प्रति सेकंड के। हो गया। अब आती है वैद्युत धारा की दिशा। क्या आती है? वैद्युत धारा की दिशा। वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी? जो धनावेश की दिशा होती है वो इस वैद्युत धारा की दिशा होती है, या फिर जो दिशा इलेक्ट्रॉनों की होती है उसके जस्ट विपरीत क्या होती है? वैद्युत धारा की दिशा होती है। जैसे मान लिया हमने कोई छड़ ले ली, कोई चालक पदार्थ ले लिया। ठीक है। इसमें क्या कर दिया? इसे सेल से जोड़ दिया। क्या कर दिया? इसे सेल से जोड़ दिया, टर्मिनल से जोड़ दिया, उनकी खूंटियों से। इसमें क्या कर दिया? सेल से जोड़ने के बाद क्या होगा? इसमें एक बल लगेगा, और इस बल के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। किस दिशा में? बल की दिशा में। जैसे हमने इस चालक पदार्थ को सेल से जोड़ा तो इसमें क्या हुआ? एक बल उत्पन्न हुआ, बल लगा। तो जिस दिशा में बल हुआ, उत्पन्न हुआ, बल लगता है, उसी दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, अनियमित रूप से इधर उधर गति करते हैं। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत धारा की दिशा होती है, या धनावेश की जो दिशा होगी वही दिशा क्या होगी? धारा की दिशा होगी। धनावेश की दिशा ये होगी, ये किसकी दिशा है? धनावेश की दिशा। या तो ये कह लो कि धारा की दिशा धनावेश की दिशा में होगी, या ये कह लो कि जो दिशा इलेक्ट्रॉन की है उसके जस्ट विपरीत जो दिशा होगी वो धारा की दिशा होगी। ठीक है। तो वैद्युत धारा की दिशा हो गया हमारा, आई का मात्रक हो गया, वैद्युत धारा का कूलम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर। तो आज की जो हमारी क्लास है यही समाप्त होती है। बच्चों आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।